देखो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो नवरात्रि में हम लेके आ गए हैं यहाँ पर फूल। देखो कितने प्यारे फूल हैं। माता की आज स्थापना की है, देखिए हमारे यहाँ पर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं आप। तो दोस्तों देखो आज हम यहाँ पर जो है नवरात्रि पे देखो मैया के लिए यहाँ पर देखो कितने प्यारे फूल लेके आ गए हैं। तो देख सकते हैं अभी हम इन फूलों की माला बनाएंगे और मैया के यहाँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो कर लेते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस देखिए खूबसूरत पहाड़ों से हो रही है शुरुआत, तो देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस आज जो है पहले नवरात्रि है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। तो दोस्तों अश्विन माह का पहला आज नवरात्रि है माता शैलपुत्री का। तो आई होप आप लोग भी व्रत लेते होंगे, तो मैंने भी लिए हुए हैं। तो गाइस आज हम क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। पहले हम पूजा पाठ करेंगे, साफ सफाई कर ली हमने, पूजा पाठ करते हैं और फिर हम कलश स्थापना करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। आपको कितना छोटा सा फ्लावर उड़ रखा है, लेकिन ये फ्लावर देखो कितना प्यारा हो रखा है ना, देख सकते हैं। तो हमारे फ्लावर हो रखे हैं थोड़े बहुत, देख सकते हैं। हमारा यहाँ पर बैठा हुआ, क्या हुआ रॉकी, क्या हुआ, तो यहाँ पर बैठे रहना है यहाँ का नज़ारा। तो देखिए यहाँ पर धूप आ गई है और कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे पीछे हमारे रॉकी। तो चले अंदर कि यहाँ पर अभी उज्ज्वलित हो रहा है, तो यहाँ पर अभी दीपक स्थापना यहाँ पर हो रही है। जो 9 दिन तक अखंड दीपक यहाँ पर जलता रहेगा इसमें, तो मम्मी अभी रखेगी यहाँ पर, तो तैयारी हो रही है अभी यहाँ पर रखने की। सही है रो। जल गो जल गो जय हो भगवान जी। यहाँ पर हमारी हो रखी है कलश स्थापना, तो देख सकते हैं हमने कुछ ऐसा किया हुआ है यहाँ पे। तो पूजा पाठ हमारी पूरी हो गई है, यहाँ पूजा पाठ हमारी यहाँ पर चल रही है अभी, देखिए। और हमने यहाँ पर नई मूर्ति की आज स्थापना की है, देखिए हमारे यहाँ पर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं आप। माता रानी को सबसे अति प्रिय फल होता है अनार, क्यों होता है वो आपको पता है। माता रानी के लिए भोग तैयार है, तो देखो अभी हम लेके आएंगे भोग माता रानी के लिए। हमारा अखंड दीपक भी यहाँ पर जला हुआ है, देखो। तो देखो जया मेरे लिए क्या कुछ लेके आई है, ये मम्मी के लिए है, देख सकते हैं। मम्मी के लिए रसगुल्ला और ये मम्मी के व्रत आ रहे हैं ना आप उनके लिए, मम्मी के लिए देखो काजू और बादाम लेके आ गई है, और मेरे लिए एक चॉकलेट, थैंक यू जया। तो देखिए आज हम जो है भट निकालने के लिए यहाँ पर खेत पर आए हुए हैं। भट तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है हम निकालने में लगे हुए हैं। देखो ये चुलाई भी हमारे यहाँ पर सूख चुकी है, देख सकते हैं। तो भट कुछ ऐसे हो रखे हैं हमारे यहाँ, कुछ है नहीं इनमें, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। तो देखिए अब इतने और निकालने हैं, बाकी हमने निकाल दिए यहाँ पे। मम्मी को कितना ज़्यादा यहाँ पर देखो ताकत यूज़ करनी पड़ रही है अपनी खींचने के लिए उन्हें, है ना मम्मी, थक गए आप। थक गई ऐसे हो रखे हैं सर भट, खाली डंठल ही डंठल है इसमें। देखिए भट तो कुछ है नहीं, लेकिन काटने तो हैं, खेत खाली करने हैं। और सारे यहाँ को देखो कुमर ही कुमर है, देखो ये होते हैं कुमर। देखिए अगर ये कपड़े में चिपक गए ना तो चुभने लगते हैं कपड़ों में, देखो कितने लोगों को लगे हुए हैं ये बताना। निकालते निकालते हालत ख़राब हो जाती है, देखो धोने पर भी नहीं निकलते, ऐसे होते हैं पूरे पेड़ छाए हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखो अभी यहाँ पर जो है हमारा रात का खाना तैयार हो रहा है, तो ये घर की तोरी है और आलू है, हम रात को ही खाना खाएंगे आज। तो ये बना रहे हैं हम अभी सब्जी। तो गाइस किस किस को पसंद है पहाड़ी तोरी की सब्जी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो हमें तो बहुत पसंद है इसलिए हम बना रहे हैं ये। और